दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीरोके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। अब अगर बात करते हैं जहां पे भारत ने जबरदस्त कमबैक करते हुए T20 सीरीज में एक एक की बराबरी ले ली। लास्ट T20 में गेम में भारत ने अफ्रीका को 105 रन से हरा दिया। तो बात करते हैं जो कि 17 दिसंबर से ODI सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसमें 3 मैच खेला जाएगा। इस सीरीज में भारत के कैप्टन होंगे KL राहुल, तो वहीं साउथ अफ्रीका के कैप्टन एडम मक्राम रहेंगे। अगर बात की जाए ODI वर्ल्ड कप के हार को भूलकर दोनों टीम्स के लिए एक फ्रेश स्टार्ट होगा। इसमें टीम्स के फ्यूचर के लिए टीम बिल्ड करना होगा, दोनों टीम्स में न्यू प्लेयर को चांस मिला है। तो बात करते हैं सीरीज का फर्स्ट ODI मैच की जो कि खेला जाएगा 17 दिसंबर को जॉनबार के वंडर स्टेडियम में। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो वंडर की पिच फास्ट बॉलिंग के लिए वर्ल्ड फेमस और काफी सुटेबल मानी जाती है, जिसमें सिम्स बॉल और स्पिनरों को ब्रेक थ्रू मिल रही है। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, टेम्परेचर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अगर टॉस प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग कर सकती है। अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं तो टोटल मैच अभी तक 90 खेले गए हैं, जहां पे इंडिया 37 मैच जीत कर आ रही है, तो साउथ अफ्रीका 50 मैच जीत के आ रही है। अब अगर पढ़ते हैं पहली टीम इंडिया का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। तीस सीरीज के लिए टीम इंडिया बिल्कुल नई टीम लेकर आया। बहुत सारे प्लेयर जो T20 में थे वो इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, जहां पर साई सुदर्शन को पहली बार टीम में मौका मिला। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ भी टीम में है। सूर्य कुमार यादव को वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया। रजत पाटीदार की भी वापसी हुई है। अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो जहां पे एक्सपीरियंस श्रेयस अय्यर है, वही तिलक वर्मा T20 में फेल थे, तो उनके लिए लास्ट चांस हो सकता है। कैप्टन KL राहुल टीम के एक्सपेक्टर हैं। काफ़ी लंबे टाइम बाद संजू सैमसन का भी टीम में कमबैक हुआ है। रिंकी सिंह को अब ODI में चांस मिला है। ऑलराउंडर की बात करें तो जहां पे अक्षर पटेल हैं, वाशिंगटन सुंदर है। बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग यहां पे थोड़ी सी वीक दिख रही है, जहां पे फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को भी ODI में मौका मिला है। मुकेश कुमार को अच्छा परफॉर्म करना होगा। स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें तो जहां पे कुलदीप हैं, चहल की जोड़ी लंबे समय बाद एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। अगले मैच में उन्हें मौका मिल सकता है, टीम के एक्सपेक्टेड साबित हो सकते हैं। अब इस खान फास्ट बॉलिंग को लीड करेंगे। अब अगर बात करते हैं इंडिया का की प्लेयर देखते हैं, जहां पे KL राहुल है, रिंकू सिंह है, श्रेयस अय्यर है। अगर बात करते हैं दूसरी टीम साउथ अफ्रीका का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। साउथ अफ्रीका इस सीरीज के लिए डिफरेंट टीम लाया है। बैटिंग में बात करें तो जहां पे ओपनर में रिजा हैंड्रिक्स है, एडम मक्राम की जोड़ी है। मिडिल ऑर्डर में न्यू प्लेयर टोनी डे जॉर्जी एंड काइल वेरमिपी की अनएक्सपीरियंस जोड़ी जो वीक दिख रही है। अगर रसी की बात करें तो रसी वन दूसरन कम बैक करेंगे। लोअर मिडिल ऑर्डर में काफ़ी स्टेबल नजर आ रहा है, इसमें हेनरी क्लासन और एक्सपीरियंस प्लेयर डेविड मिलर है। अगर ऑलराउंडर की बात करें तो ऑलराउंडर बहुत सारी टीम में है, जिसमें से व्यान मुल्डर और नाड्रे बर्गर भी है। वहीं टीम की एक्स फैक्टर जहां क्रिस्टियन स्टब हैं, जिन्होंने लास्ट मैच को फिनिश किया था। फिलक्वाय भी बैटिंग कर सकते हैं, उन्होंने लास्ट मैच में दिखा दिया था। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग टीम की यंग है, मेन बॉलर्स को रेस्ट दिया गया है। बॉलिंग में मेन बॉलर होंगे एंडिलियो फिलक्वाय, जो होंगे लिजार्ड विलियम्स, इस पिच पर इफेक्टिव हो सकते हैं, जो कि ओटेनियल बैटमैन सीरीज में डिब्यूट करते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में बात करें तो जहां पे एक्सपीरियंस केशव महाराज एंड तबरेज शमसी टीम को लीड करेंगे। अब बात करते हैं की प्लेयर देखते हैं, जहां पे एडम मक्राम है, केशव महाराज है और डेविड मिलर है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर होगा साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।